वैश्विक महामारी के लगातार बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी सब्जी तो कभी राशन और दवाई लेने के झूठे बहाने बनाकर लोग न सिर्फ सड़कों पर उतरकर वैश्विक महामारी के खतरों को खुलेआम आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि खुद और अपने परिवार की जान की जोखिम भी डाल रहे हैं। ऐसे लोगों को संक्रमण के खतरों से बचाने और सरकारों निर्देशों का 100% पालन कराने को लेकर सड़कों पर SDO मुमताज अंसारी और SDPO अविनाश कुमार की युगल जोड़ी के हत्थे चढ़ रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ उन्हें आर्थिक दंड भुगतना पड़ रहा है बल्कि पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ रही है। चतरा शहर में इन अधिकारियों को देखते ही हड़कंप मच जाता है। कोई अपनी दुकान का शटर आनन फान में बंद करता हुआ नजर आता है तो कोई अपनी बाइक और गाड़ी घुमाकर भागते हुए नजर आता है। हालांकि कई लोग झूठे बहाने बनाकर अधिकारियों को ई पास दिखाकर गुमराह करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकारियों के सवाल जवाब के सामने उनकी जब झूठ पकड़ी जाती है और वो जब होशियारी के चक्कर में मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। और ऐसे में सरकारी निर्देशों का पालन कराने के लिए SDPO और SDO दोनों शहर में तत्पर हैं। मुखर संवाद के लिए चतरा से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर हम लोग चौक चौराहों पे रास्तों से निकल के जो COVID-19 के तहत अनुपालन करना है उसको सख्ती से हम लोग बरत रहे हैं। जो भी व्यक्ति निकले अपना गाड़ी में पास ले लें, ई पास अपना लेके ही बाहर निकले, और दुकानदारों से मेरा खास करके अनुरोध है कि स्वास्थ्य को देखते हुए अपना सोशल डिस्टेंसिंग मास्क जितने भी दुकानदार हैं वो अपने जो भी सामग्री लेने आए या बाहर निकले उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनुपालन कराएं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप सबों से आग्रह है कि इसको देखते हुए हम लोग इसको अनुपालन कराने में पुलिस प्रशासन अपना मुस्तैद है। जो भी चूँकि ई पास की झारखंड सरकार ने उपलब्धता सुनिश्चित की है, बहुत ही आसानी से ये उपलब्ध हो पा रही है। जो भी बिना ई पास के निकल रहे हैं उनसे हम लोग फाइन वसूल रहे हैं और आग्रह करेंगे कि बिना ई पास बनाए हुए बाहर ना आए। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।